अगर आपका भी आर्मी में जाने का बेहद मन है तो ये खबर आपके काम की है। आप तो जानते ही हैं कि आजकल सेना में एनडीए या फिर अग्निवीर भर्ती के जरिए लिया जा सकता है। ऐसे में भारतीय सेना यूपी के अयोध्या में अग्निवीर भर्ती की रैली आयोजित करने जा रही है। ये रैली 2 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। यहाँ प्रदेश के 13 जिलों के लिए रैली अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सैंडर ग्राउंड पर आयोजित होगी। 13 जिलों के लिए रैली भर्ती रैली में पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि PFT होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़, जिग जैग बैलेंस, 9 फुट डिच और बीम शामिल है। फिर जो उम्मीदवार PFT पास कर लेंगे उन्हें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि PMT के लिए आगे आना होगा, जिसमें उम्मीदवारों की ऊंचाई, वजन और छाती को नापा जाएगा। फिर PMT पास करने वाले सभी उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे आएंगे। इन भर्तियों में अम्बेडकर नगर, अमेठी, महाराजगंज, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर जिलों के उम्मीदवार शामिल होंगे। अब जान लेते हैं किन पदों के लिए है ये भर्ती। इस भर्ती के जरिए अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर जनरल ड्यूटी और अग्निवीर ऑफिसर असिस्टेंट और SKT अग्निवीर टेक्निकल कैटेगरी के पदों पर भर्ती होनी है। क्या है योग्यता? अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए उम्मीदवार को 10वीं और 8वीं पास होना जरूरी है। अब जान लेते हैं इस पूरे रैली का पूरा स्केड्यूल क्या है। 24 जून को अग्निवीर ट्रेड्समैन के कैटेगरी के लिए सभी 13 जिलों की रैली होगी। 25 जून को अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और SKT अग्निवीर टेक्निकल कैटेगरी के लिए सभी 13 जिलों की रैली की जाएगी। 26 जून को अम्बेडकर नगर, बस्ती और महाराजगंज जिलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती रैली। 27 जून को कुशीनगर, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिले के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी की रैली। 28 जून को सुल्तानपुर और प्रयागराज के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी की रैली। 29 जून को प्रतापगढ़ और अमेठी के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी की रैली। 30 जून को अयोध्या और रायबरेली जिले के लिए। वहीं 1 और 2 जुलाई को मेडिकल टेस्ट होगा। तो यदि अभी की खबर, अभी की जानकारी, हाल ही में दिए गए अपडेट्स, तो आप हमें जरूर बताएं कि आप में से कितने लोग इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। तब तक के लिए ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।